बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करती हूँ सभी लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ हेयर बोटॉक्स की ऐसी रेमेडी इस्तेमाल करने के लिए लेकर आई हूँ जिसको यूज़ करके ना आप लोगों को किसी भी किस्म के स्ट्रेटनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों के बाल बिल्कुल डैट स्ट्रेट हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि पॉलर से कोई कैराटिन वगैरह आप लोगों ने ली है, इतने ज़बरदस्त आप लोगों के बाल हो जाएंगे। इसके अलावा जिन लड़कियों के बालों में कर्ल्स हैं, कर्ली हेयर्स हैं, बेबी हेयर्स हैं, वो लोग भी इस रेमेडी को हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करेंगी। 3 बार इस्तेमाल करने से उनके बाल भी स्ट्रेट हो जाएंगे। कर्ली जिनके बाल होते हैं उनके बालों में भी बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। इसके अलावा जिनके बाल बम फटे से होते हैं, ऐसा लगता है बालों में बम फट गया है, या जिनके बाल झाड़ू जैसे होते हैं, वो सभी लोग इस्तेमाल करेंगे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा वाज़े रिजल्ट्स अपने हेयर्स में देखने के लिए मिलेगा। तो यानी कि आज की रेमेडी हर किस्म के हेयर्स वालों के लिए है, सभी के बाल स्ट्रेट होने वाले हैं। वरना तो ऐसा होता है जिनके बाल कर्ली ज़्यादा होते हैं, बम फटे ज़्यादा होते हैं, वो लोग कुछ भी यूज़ कर ले उनके बाल स्ट्रेट नहीं होते। लेकिन आज की रेमेडी ऐसी है, अगर उन्होंने यूज़ कर ली तो उनके बाल लाजमी स्ट्रेट हो जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, स्किप फॉरवर्ड नहीं करना है। आप लोगों ने किचन का रुख कर लेना है, और बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं, सस्ती चीज़ें हैं, ईज़िली घर पर ही मिल जाएंगी, कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली। सिंपल इंग्रीडियंट्स से इंशाल्लाह आप लोगों को रेडी करके दिखाऊँगी। तो आज की रेमेडी के लिए सबसे पहले हम लोगों ने लेना है कच्चा दूध। देखिए, रॉ मिल्क लेंगे, कच्चा दूध लेंगे, कच्चा दूध हमारे हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देकर जाएगा। हम लोगों ने आधा कप यहाँ पर कच्चा दूध ले लिया है। अब आप लोगों ने इसमें निचोड़ना है लेमन, आप लोग हाफ लेमन निचोड़ेंगे। अब जब लेमन डालेंगे ना तो हमारा दूध फटने लगेगा। इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से मिक्स करना है और एक साइड पर रख लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का बोटॉक्स रेडी होने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा आउट स्टैंडिंग रिजल्ट इंशाल्लाह आप लोगों को देकर जाएगा। इंशाल्लाह आज की रेमेडी ऐसी है, मैं इतनी श्योर हूँ कि आप लोगों को महंगी महंगी हेयर मायोनीज, हेयर प्रोडक्ट्स, हेयर सीरम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ना ही आप लोगों को पॉलर जाने की जरूरत पड़ेगी। आज की रेमेडी यूज करने के बाद आप लोगों के रिजल्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव आएंगे और इंशाल्लाह आप लोग खुश हो जाएंगे। अब आप लोगों ने इसको तो रख दिया साइड पर, अब आप लोगों को चाहिए एक और बाउल। उसमें आप लोग लेंगे मायोनीज, कोई ख़ास मायोनीज नहीं, वही बच्चों वाली जो घर में आती है, जो फ्रेंच फ्राइज वगैरह के साथ खाई जाती है, सभी के घर में होती है। अगर नहीं है तो इसका भी हल है कि आप लोग साशे ले लीजिए, 150 रुपये का आप लोगों को साशे मिल जाएगा। आप लोगों ने यहाँ 2 टेबल स्पून भर कर मायोनीज लेनी है। मायोनीज में क्या होता है, देखिए मायोनीज बेसिकली तैयार होती है अंडे से, तेल वगैरह से, इन सब चीज़ों से तैयार होती है। तो उसमें होता है प्रोटीन, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, और हमें अपने हेयर्स के लिए करना है प्रोटीन, प्रोटीन देना है अपने हेयर्स को। और हम लोग अक्सर प्रोटीन ट्रीटमेंट्स करवाने पार्लर जा रहे हैं होते हैं, तो जब प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हम घर में ही कर लेंगे तो हमें फिर पार्लर का रुख नहीं करना पड़ेगा। और महंगे महंगे हज़ारों रुपये खर्च करने के बजाय मायोनीज पे 50-100 रुपये खर्च कर लीजिए, और अक्सर तो मिल ही जाएगी लोगों को घर से, और 2 टेबल स्पून आप लोगों ने ले लेना है। तो मायोनीज लेने का इधर मकसद ही यही है कि ये इसमें हेयर से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। मायोनीज डालने से हमारे हेयर्स नेचुरली तौर पर सेहतमंद होंगे, नेचुरली तौर पर उनकी जड़ें मजबूत होंगी, और हमारे हेयर्स को बहुत ज़बरदस्त किस्म की शाइनिंग प्रोवाइड होगी, एक अलग सी शीन हमारे बालों में दिखेगी, वो ज़बरदस्त किस्म का काम हो जाएगा कि बाल जो है डेड स्ट्रेट भी होंगे और प्लस उसमें शाइनिंग तो होगी ही होगी, क्योंकि हम आगे और भी ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने लेना है 1 टेबल स्पून, या फिर अगर आप लोग चाहें तो 2 टेबल स्पून भरकर ऑयल ले लें। कौन सा ऑयल ले लेंगे, आप लोग कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं, रोजमेरी ऑयल भी ले सकते हैं, कोई सा भी इन तीनों में से ऑयल ले लें, लेकिन ऑयल 1 टेबल स्पून या फिर 2 टेबल स्पून भरकर लेंगे, इससे कम नहीं लेंगे। और फिर इसको भी आप लोगों ने मायोनीज में शामिल कर देना है। इसके बाद आप लोगों का एक और मेन इंग्रेडिएंट जाएगा, वो है वैसलीन। आप लोगों ने 1 टेबल स्पून भरकर यहाँ पर वैसलीन के ऐड करने हैं। वैसलीन के हेयर्स पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स हैं। आप लोगों के हेयर्स को ज़बरदस्त किस्म की शाइनिंग प्रोवाइड करने के साथ साथ आपके लोगों के बालों को स्ट्रेट करेगी वैसलीन। और इसके अलावा आपके 2 शाखे जो बाल हो जाते हैं ना नीचे की तरफ, 2 मुँह के बाल, उनको भी ख़त्म करेगी। और अगर आप लोगों के पास वैसलीन नहीं है तो आप लोगों ने 2 टेबल स्पून भर कर देसी घी के लेने हैं।
सिर्फ और सिर्फ देसी घी लेंगे। मैसेज करके ये नहीं पूछिएगा घर का घी ले सकते हैं नहीं ले सकते, देसी घी लेंगे 2 टेबल स्पून। अगर आप लोग वैसलीन लेंगे तो 1 टेबल स्पून आप लोगों ने वैसलीन लेनी है। तो जब वैसलीन इसके अंदर चली गई तो अब ये इतनी ज़्यादा पावरफुल रेमेडी हो गई कि जिनके बाल बम फटे हैं ना उनके बाल एक दिन के अंदर अंदर वैसलीन सही कर देती है। एक दिन के अंदर अंदर बाल बिल्कुल डेड स्ट्रेट कर देती है वैसलीन, और देसी घी के बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आज की रेमेडी के लिए मैं इतनी श्योर हूँ कि जिनके बाल बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, उनके बाल बिल्कुल रूखे सूखे हो गए हैं, मतलब रूखे से बाल नहीं हो जाते और कैराटिन करवा के और भी ज़्यादा फटने से वाली हालत हो जाती है बालों की, वो आज की रेमेडी अगर यूज़ करेंगे तो उनके बाल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के हो जाएंगे और बहुत अच्छे उन लोगों के बालों को बेनिफिट्स मिलेंगे। ये नहीं कि उनके बाल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट होंगे, उनकी जड़ें मजबूत होंगी, हेयर्स को प्रोटीन ट्रीटमेंट मिलने जा रहा है तो स्कैल्प बहुत ज़्यादा हमारा अच्छा मजबूत होगा। तमाम चीज़ों को इतना मिक्स करेंगे कि वैसलीन मायोनीज वगैरह सब यकजान हो जाए। अब आप लोगों ने इसमें दूध का एडिशन करना है, वही दूध जो आप लोगों ने साइड में रखा था, थोड़ा थोड़ा 1 टेबल स्पून करके ऐड करते जाएंगे ताकि एक क्रीमी टेक्स्चर में आ जाए, उसमें मिक्स करते जाएंगे। और ज़रूरत पड़ेगी जितनी आपको ज़रूरत पड़े उतना आप दूध लेंगे और इसका क्रीमी टेक्स्चर सा आप लोगों ने तैयार करना है। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर हेयर से रिलेटेड और स्किन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इस गर्मी में जो फेस पर मोटे मोटे दाने हो जाते हैं, गर्मी दाने हो जाते हैं, पूरे जिस्म पर हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन को लेकर बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। डार्क सर्कल्स के इशू हैं, जिनके रिंकल्स हैं, जिनके फाइन लाइंस हैं, जिनके हाथों और पैरों की डलनेस का इशू है, जिनको ब्लीच करनी है, जिनको स्किन पॉलिश करनी है, तमाम ही रेमेडीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप लोग जाकर चेकआउट कीजिए और आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। हत्ता कि मैंने यहाँ पर उबटन तक बनाना सिखाया, जिन लड़कियों की शादियाँ होने वाली हैं उनको बेहतरीन रेमेडीज देखने के लिए मिलेंगी और बहुत ज्यादा पावरफुल रेमेडीज देखने के लिए मिलेंगी अपनी स्किन और हेयर से रिलेटेड। अब आप लोगों ने क्या करना है, नहाने जाने से पहले लटों को लेते जाना है और इसको अप्लाई करते जाना है। थोड़े थोड़े लटे लेंगे और इसको अप्लाई करेंगे, फिर थोड़ी सी लटे लेंगे फिर इसको अप्लाई करेंगे। इस तरह से आप अप्लाई करके पूरे सर पर ही इसको लगा लेंगे अच्छे तरीके से। जब ये पूरे सर पर अच्छे से लग जाएगा, बालों पर कोई भी कैचर वगैरह लगा लेंगे और 3 से 4 घंटे के लिए भूल जाएंगे अपने बालों को। नहाने की जल्दी मत करिएगा और लटे ले लेके लगाइएगा, ये नहीं कि सारा लिया और यूं ही थोप लिया। जब सारा लेके यूं ही थोप लेके कोई असर नहीं होगा। जिस तरह आप लोग डाई करते हैं लटे ले लेकर, उसी तरह लटे ले लेकर आप लोगों ने पूरे सर को कवर कर देना है और इसी तरीके से एप्लीकेशन होगी। और जड़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, आप लोगों ने इसको जड़ों पे भी लगाना है। कोई भाई केमिकल थोड़ी है जो जड़ों में नहीं लगाएंगे, रूट्स में तो लाजमी ही लगाएंगे ताकि हमारे रूट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग और मजबूत हो जाए। आफ्टर 2-3 आवर्स आप लोग बहुत ज्यादा बेचैन है, ज्यादा देर नहीं रख सकते, तो आप लोगों ने कम से कम 1.5 घंटा इसको रखना है, उसके बाद वॉश करना है ताकि तमाम चीजें जाकर अच्छे से अपना वर्क करना स्टार्ट कर दें। आफ्टर 2 आवर्स बाद आप लोगों ने अपने हेयर्स को बहुत ज्यादा अच्छे से वॉश कर लेना है। कोई सी भी माइल्ड शैम्पू से वॉश करेंगे, ज्यादा केमिकल ना हो, कोशिश करा करें हर्बल शैम्पू यूज किया करें। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि आफ्टर वॉश आप लोगों के हेयर्स नरम मुलायम और स्ट्रेट हो चुके होंगे। आप लोगों को अपने बालों में विजिबल डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा और आप लोगों को अपने बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट और शाइनी नजर आएंगे। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम मेरे आने वाले फ्यूचर नोटिफिकेशंस आप लोग तक टाइमली पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें ताकि तमाम लोगों तक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पहुंच सके। अगर आप लोग विश ब्यूटी से मुझसे कुछ ना कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं, मेरी ब्रांड से बाय करना चाहते हैं, तो मुझसे muzammil.nadia इंस्टाग्राम आईडी पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग इस रेमेडी के बेहतरीन रिजल्ट से फायदा उठाना चाहते हैं तो आप लोगों ने हफ्ते में 3 बार इसको इस्तेमाल करना है। 3 बार से ज्यादा कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। होम रेमेडीज का यही तो कमाल है, जितना ज्यादा करेंगे उतने ही फायदे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो कम से कम हफ्ते में 3 बार। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी नादिया मुज़म्मिल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, बाय बाय। आप रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी खास दुआ में याद।